हाय एवरीवन, आइए आज के इस वीडियो में हम द्वितीय पंचवर्षीय योजना से रिलेटेड क्वेश्चंस आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, इससे पहले मैंने आपको बताया था प्रथम पंचवर्षीय योजना से रिलेटेड पॉइंट। ठीक है, आज के इस वीडियो में समझेंगे द्वितीय पंचवर्षीय योजना से इम्पोर्टेंट पॉइंट, यानी कि इसी टाइप के क्वेश्चंस आपके द्वितीय पंचवर्षीय योजना से आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना हुआ था, ये हुआ था वर्ष 1956 से 1961 के बीच में हुआ था। ठीक है, तो ये यहाँ से ये बात आपको याद रख लेनी है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो है 1956 से 1961 तक ये द्वितीय पंचवर्षीय योजना चला था। ठीक है, ओके। सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे क्या है, पहला पॉइंट है यह योजना जो है महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। ठीक है, ये जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना थी ये किस मॉडल पर आधारित थी, तो आप बोलोगे महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी ये द्वितीय पंचवर्षीय योजना। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है इस योजना का उपनाम भौतिकवादी योजना था। ठीक है, यानी कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना को हम लोग दूसरे नाम से क्या जानते हैं, तो दूसरे नाम से हम इसे भौतिकवादी योजना के नाम से जानते हैं। ठीक है, ओके। नेक्स्ट है इस योजना का मूलभूत उद्देश्य देश में औद्योगिकरण की प्रक्रिया को प्रारंभ करना था। ठीक है, यानी कि ये जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना हुआ था इसका मूल जो भूत जो उद्देश्य था, लक्ष्य था, हमारे भारत में बिजनेस औद्योगिकरण जितने भी औद्योगिकरण है इसकी प्रक्रिया को प्रारंभ करना था, शुरू करना था। ठीक है, चलिए इसके नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं। इस योजना के दौरान जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए राष्ट्रीय आय में 25% की वृद्धि का लक्ष्य रखा गया था। ठीक है, ये जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना शुरू किया गया था तो उसके दौरान जो है जीवन स्तर को, ओके, यानी कि प्रत्येक जो है व्यक्ति के राष्ट्रीय प्रति व्यक्ति आय जो है उसमें 25% की वृद्धि का लक्ष्य रखा गया था। ठीक है ना, ओके ओके। इसके नेक्स्ट की बात कर लेते हैं, ओके, नेक्स्ट पॉइंट की। तो इस योजना अवधि में, यानी इस योजना द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान, ओके, प्रति व्यक्ति आय में जो है 20 की वृद्धि हुई। ओके, देखिए 25 की जो है यहाँ पे आशा किया गया था कि 25 की वृद्धि होगी, बट यहाँ पे 20 की वृद्धि हुई, यानी बहुत हद तक बेहतर ही हुई। ठीक है, इसी तरह नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं। तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत में तीन लौह संयंत्र की स्थापना हुई थी। जैसे पहला है दुर्गापुर जो कि पश्चिम बंगाल में हुई थी, उसके बाद नेक्स्ट है उड़ीसा जो कि राउरकेला में, ये एक जगह का नाम है, यहीं पे जो है लौह संयंत्र, ये सभी लौह संयंत्र है, इसकी स्थापना हुई थी। और तीसरा आपका है मध्य प्रदेश का भिलाई। ओके, ये तीनों जो थे ये क्या थे, द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत में इन तीनों लौह संयंत्रों की स्थापना की गई थी। ठीक है, ओके ओके। तो इस तरह मैंने आज की इस वीडियो में क्या बताया आपको, द्वितीय पंचवर्षीय योजना से रिलेटेड पॉइंट। ठीक है, इसी से क्वेश्चंस आने के चांसेस आपके हो सकते हैं। ठीक है, ओके, इसके अलावा और भी कई क्वेश्चंस बन सकते हैं, ओके, जो कि कवर मैं आपको नहीं कर पाया हूँ। ठीक है, तो फिलहाल इस वीडियो में मैंने शॉर्टकट में मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे तृतीय पंचवर्षीय योजना जो कि 1961 से 1966 के बीच चला था। ठीक है, ओके, तो उनका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, सो थैंक यू।